नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है गणेश जी बने भक्त के नौकर। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा करता था। वह कभी भी कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार भगवान गणेश जी रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी तो उन्होंने सोचा कुछ खा लेता हूँ। गणेश जी बोले, यह तो सेठ का खेत है जो नियमित मेरी पूजा करता है, भूख बहुत जोरों की लगी है, गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लेता हूँ। गणेश जी ने सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर सोचा कि यह मैंने क्या भूल कर दी, मैंने सेठ से बिना पूछे ही उनके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए, यह तो चोरी हुई और इस बात का दंड मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा। गणेश जी ने एक साधारण लड़के का रूप धारण कर लिया और फिर सेठ के पास पहुँचे और बोले, मेरा नाम गणेश है, मुझे कोई काम मिलेगा? मैं बहुत दूर से आया हूँ, यदि आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ बोले, गणेश मैं तुझे काम तो दे सकता हूँ, पर आजकल मेरे काम में बहुत घाटा चल रहा है, मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास तुझे 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाएगी। गणेश जी बोले, ठीक है सेठ जी, मैं सारा काम कर लूंगा, आप चिंता मत करो। गणेश जी सेठ के घर नौकरी करने लगे। वह घर और दुकान का सारा काम संभाल लेते थे, जिससे सब बहुत खुश थे। एक दिन सेठानी जी जब शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी से कहा, सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसीलिए आप अपने हाथों को राख की जगह मिट्टी से धोया कीजिए। सेठानी बोली, तू एक नौकर होकर मुझे समझाएगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तेरी शिकायत सेठ जी से करती हूँ। सेठानी सेठ जी से बोली, सुनो जी, जब मैं शौच से निपट कर आई और अपने हाथ राख से धोने लगी तो गणेश मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों को मिट्टी से धोया करूं, क्या यह बात सही है? जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। सेठ जी बोले, यह गणेश तो बहुत समझदारी की बातें करता है, यह सच बोल रहा है, शौच के बाद हाथ मिट्टी से साफ करना चाहिए। फिर सेठानी बोली, सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे? सेठ जी बोले, तुम गणेश के साथ चली जाना, मुझे दुकान पर काम है। गणेश जी बोले, आप चिंता मत करो सेठ जी, मैं सेठानी का पूरा ध्यान रखूंगा, अच्छे से गंगा स्नान करवा के लाऊंगा। अगले दिन सेठानी गणेश के साथ गंगा घाट पर पहुंचती है। सेठानी गंगा के किनारे ही बैठकर स्नान कर रही थी। गणेश जी वहां गए और सेठानी जी को बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर ले आए। इस पर सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने गणेश से कहा, गणेश यह तुमने क्या किया? मैं किनारी पर बैठकर ही स्नान करना चाहती थी, मुझे डुबकी नहीं लगानी थी। गणेश जी बोले, सेठानी जी, जब तक गंगा स्नान में गंगा जी में डुबकी ना लगाई जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, गंगा स्नान तो डुबकी लगाकर ही पूर्ण होती है। सेठानी बोली, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती है। गणेश जी बोले, सेठ जी आप ही बताइए, जब तक हम गंगा जी में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? अब किनारे पर बैठकर स्नान करने से क्या फायदा होता? सेठ जी बोले, यह बालक हमारे बारे में कितना सोचता है, गणेश के आने के बाद अब सेठ जी का व्यापार भी अच्छा चलने लगा था। एक दिन सेठ जी और सेठानी जी को मंदिर जाना था। सेठ जी ने सेठानी जी को बुलाने के लिए गणेश से कहा, गणेश जाओ सेठानी जी को बुला कर ले आओ,
पूजा का समय हो रहा है, हमें मंदिर के लिए निकलना है। गणेश जी बोले, ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुलाकर लाता हूँ। गणेश सेठानी को बुलाने के लिए चला जाता है और सेठानी जी को देखते ही बोलता है, अरे सेठानी जी, आपने यह काली साड़ी क्यों पहनी है? आप पूजा में काली साड़ी न पहनकर लाल रंग की साड़ी पहन लो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी जी बोली, मैं काली साड़ी ही पहनूंगी, अब मैं कपड़े बदल चुकी हूँ, मैं दोबारा तैयार नहीं हो सकती। तुम मुझे इस तरह उपदेश देने वाले कौन हो? मैं अभी सेठ जी से जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। सेठानी सेठ के पास जाती है और सारी बात बताती है। सेठ जी बोले, पूजा कार्य में लाल रंग सचमुच शुभ माना जाता है। एक काम करो, तुम लाल रंग की साड़ी ही पहन लो, यह गणेश तो हर वक्त हमारी अच्छाई के बारे में सोचता है, वरना कौन आजकल किसी की भलाई सोचेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सेठ ने अपने घर में गणेश पूजन का आयोजन किया हुआ था। लड़का बना हुआ गणेश मूर्ति के स्थान पर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है और बोले, गणेश यह क्या समझदारी है, मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए जहाँ गणेश जी की मूर्ति का स्थान है। गणेश जी बोले, अच्छा तो फिर मैं तो बिल्कुल सही जगह पर बैठा हूँ। देखते ही देखते गणेश भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं। सेठ जी बोले, हमसे बड़ी भूल हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवान। गणेश जी बोले, तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था, मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसीलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में कभी धन वैभव समृद्धि की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी के घर में खुशियों के भंडार लगे रहते थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।